हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम चॉकलेट नारियल के लड्डू बनाएंगे। इन्हें हम वाइट चॉकलेट ट्रफल्स भी कहते हैं। बहुत ही जल्दी और आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और ये स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। तो आइए चॉकलेट नारियल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। वाइट चॉकलेट नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम वाइट चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है। ये मैंने 50 ग्राम कोकोनट पाउडर ले लिया है, 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क और ये 1 टेबल स्पून बटर ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये चॉकलेट लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह कट कर लेंगे, और आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। चॉकलेट को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इस तरह कट करेंगे ताकि हमारी चॉकलेट इजीली मेल्ट हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में इस तरह कट कर लिया है। तो अब हम इन्हें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यह मैंने चॉकलेट को एक बोल में अलग निकाल लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें 2 कप पानी डालेंगे। तो यह मैंने पैन में पानी डाल दिया है। तो अब हम पानी में उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा, पैन के ऊपर इस तरह एक कांच का बोल रख देंगे और इसमें ये चॉकलेट डालेंगे। तो ये चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैं डबल बॉयलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ये 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। तो यह मैं घर का बना हुआ कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। इसे बनाने की रेसिपी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो यह ध्यान रखेंगे कि हमें मिक्सर को पकाना नहीं है, हमें जस्ट चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे तुरंत ही लड्डू बनाएंगे, क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी सेट होने लगती है। तो अब हम चॉकलेट में ये कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि चॉकलेट बहुत जल्दी सेट होने लगती है। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा लड्डू का मिक्सचर बनकर रेडी है। तो अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसके इस तरह लड्डू बनाएंगे। तो ये लड्डू का साइज और शेप आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह एक लड्डू बना लिया है। तो अब हम इसे नारियल के बुरादे में इस तरह कोट कर देंगे। तो यह मैंने एक चॉकलेट ट्रफल बना लिया है। तो अब हम इसी सेम प्रोसेस से सारे चॉकलेट ट्रफल बनाकर तैयार करेंगे। तो यह मैंने सारे चॉकलेट ट्रफल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, और यहाँ आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे चॉकलेट ट्रफल्स बनकर तैयार हुए हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए इन्हें ज़रूर बनाएं, उन्हें ये बहुत पसंद आएंगे। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।